नमस्कार दोस्तों दोस्तों अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां मैंने अपने चैनल पर डाली हैं और आपने उसका मजा लिया होगा। हास्य कहानियों में आज भी अकबर बीरबल का जो स्थान है उसे कोई नहीं ले पाया। ऐसी ही अकबर बीरबल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अकबर की कटी उंगली और बीरबल को हुई जेल। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि बादशाह अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्यों हो गया? बीरबल ने बोला, शहंशाह जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात पर अकबर को बहुत गुस्सा आया, वो आग बबूला हो गए और उन्होंने बीरबल को जेल में बंद कर दिया। फिर क्या था, अकबर अकेले जंगल में निकल पड़े और देखते ही देखते घने जंगल में चले गए और वहां कुछ जंगली डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और बोलने लगे कि आज बड़ा मोटा मुर्गा हाथ लगा है, आज इसकी बलि देंगे। और वो शहंशाह अकबर को पकड़कर दूर ले गए। तभी उन डाकुओं में से एक डाकू ने देखा कि इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये बलि देने के लायक नहीं है, क्योंकि जिसमें कोई खोट होता है उसकी बलि नहीं दी जाती है। और उन्होंने शहंशाह अकबर को छोड़ दिया। जब शहंशाह अकबर अपने दरबार में आए तो उन्होंने बीरबल को जेल से रिहा कर दिया और अपने किए पर माफी मांगी। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों? तब शहंशाह अकबर ने सारी बातें बीरबल को बताई कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। बीरबल ने मुस्कुराकर बोला, महाराज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। शहंशाह अकबर बोले, आपके कहने का मतलब क्या है? तब बीरबल ने कहा कि आप जंगल में शिकार करने के लिए जाते और अगर डाकू हम दोनों को पकड़ लेते तो आपको तो कटी उंगली समझकर छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि अवश्य दे देते। तो महाराज आपकी वजह से मेरी जान बच गई है, अगर आप मुझे जेल में बंद ना करते तो शायद मेरी बलि दी जा चुकी होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो उसे दूसरों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।